अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो तमाम प्रेमिसिस या वो जीन्स जो कि एनाबोलिक स्टीराइड्स और मसल ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसी सिलसिले में हमने जो है कल फैसलाबाद में जे रोड पर एक बहुत बड़े जिम पर रेड किया है और वहाँ से हमें एक अनरजिस्टर्ड अद्वियात की बहुत बड़ी मिकदार जो कि एनाबोलिक स्टीराइड्स हैं, मेल हारमोन्स हैं और मसल ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो हमें बरामद हुए हैं और हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो पहले मैं आपको जो है वो पिछला वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें इस कार्रवाई के लिए हिदायत जारी की गई थी और उसके बाद जो है ये जो रेड हुआ है इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। ये तमाम जो स्टीराइड्स हैं, एनाबोलिक स्टीराइड्स, मसल ग्रोथ हारमोन, ये यंग बॉडी बिल्डर्स को इस्तेमाल कराए जाते थे ताकि जो है उनकी जो मसल्स की ग्रोथ है और बॉडी बिल्डिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुमाया तब्दीली आ सके। आइए देखते हैं तफसीलात। इसमें ये कहा गया है कि एनाबोलिक मेडिकल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं जो कि कुवत बख्श हैं और इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग का सोर्स नहीं मिला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ कि ये एनाबोलिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। इनको हम आम जुबान में कुवत बख्श अद्वियात कह लें और ये जो बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टर्स रात हैं वो यूज़ करते हैं और ये जो हमारे बॉडी का स्केलेटल मसल है उनकी प्रोटीन्स की जो कुवत है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले एक दो सालों से ये कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाती हैं, इनके मैन्युफैक्चरर का भी नहीं पता और हमारी नौजवान नस्ल जो है अपने मसल्स की ग्रोथ के लिए इनको इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो इनसे एक कहते मुख्तलिफ बंदों से ले रहे हैं, वो आपको मैं अभी मैसेज ही कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये कितनी कॉस्ट कितनी होगी इसकी? नहीं ज्यादा है, दो तीन लाख का है ये माल। दस लाख का थोड़ा ही है। नहीं ये दूसरे क्योंकि इम्पोर्टेड माल है, ये जर्मनी का है ना, पर जर्मनी का इम्पोर्ट। ये है जी वो एनाबोलिक स्टीराइड जो हमने कल रिकवर किए हैं जो जिम में इस्तेमाल होते थे। ये जी ये नैंड्रोलोन इंजेक्शन है जी और इसी तरह ये टेस्टोस्टेरोन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी कंपोजिशन में ये इंजेक्शन है जी। ये है ये इंजेक्शन 2 मिलीग्राम है, ये सारे मसल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये टेबलेट्स हैं जी टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टोस्टेरोन के जी ये देखेंगे, ये यंग जनरेशन को खिलाए जाते हैं ताकि उनके मसल्स ग्रोथ हों। ये टेबलेट्स हैं और ये भी एक एनाबोलिक स्टीराइड है मेडिटेक कंपनी का। फिर ये टेबलेट्स हैं जी उसी कंपोजिशन में और सबसे ख़तरनाक बात एफिडिन इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं जी। ये देखेंगे इंजेक्शन एफिडिन, ये जार हैं जी पाउडर की शक्ल में, रिप्ड मास मसल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम केस प्रॉपर्टी है मेडिसिन हैं जो हमने जिम से रिकवर किए हैं और यंग जनरेशन की मसल ग्रोथ के लिए ये इस्तेमाल होते हैं।